हाय, कैसे हो आप सब? हमारे साथ अतुल भाई हैं और हम फिर एक नए रास्ते पे चल पड़े हैं कि खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हर साल होता है खजुराहो में, विगत 5 सालों से हो रहा है। इस बार खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की ये 6वां साल है और हम लोग खजुराहो के लिए निकल पड़े हैं आगे। ये देखिएगा सामने, हम लोग खजुराहो के लिए निकल पड़े हैं और देखिए इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट भी आने वाले हैं खजुराहो में। शक्ति कपूर साहब से बात हुई है भैया की, जावेद अख्तर जी से बात हुई है, आपका अभिजीत जी से बात हुई है, सन्नी देवल जी से भी बात चल रही है। अभी देखते हैं कहाँ तक क्या बात पहुँच पाती है। और बाकी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का चल रहा है कि वो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इसके बाद किरण रिजिजू जी, फग्गन सिंह खुलस्ते केंद्रीय मिनिस्टर, आपका अनिल फिरोजिया जी सांसद उज्जैन, थावरचंद गहलोत जी केंद्रीय मिनिस्टर भी 4-5 आने का है, जिसमें आपका गोपाल भार्गव जी, इसके अलावा आपके अरविंद भदौरिया जी, ये भी काफ़ी मिनिस्टर्स आने वाले हैं। इस बार हम लोग किफ में आपको लगातार पर डे एक मैं ब्लॉग बनाऊंगा और किस तरीके से हम लोग कितनी मेहनत करते हैं किफ में, कितनी मेहनत से हम लोग किफ फेस्टिवल को रेडी करते हैं, पूरी टीम पूरे सब लोग मिलके, स्पेशली बड़े भाई राजा भाई साहब बुंदेला जी, इसके अलावा योगेंद्र जी चंदेल, हमारी भाभी सुष्मिता मुखर्जी, इसके अलावा आपका दिनेश जी हैं जो, और नम्रता जी, इसके अलावा आपका पूरी टीम इस बार जगमोहन जी, आरएफ सहडोली जी, पूरी टीम हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, एक एक मिनट्स एक एक घंटे किस तरीके से तैयारी करते हैं। किफ जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल आज के समय में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बन चुका है, तो कैसे किस तरीके से प्लान होता है, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं फेस्टिवल के लिए, आप लोगों को एक एक दिन का पर डे का हम आपको ब्लॉग बताएंगे और एक एक चीज। हाँ, स्पेशली मुंबई से हमारे एक मित्र आने वाले हैं जो भोजपुरी के बड़े स्टार हैं और हिंदी फिल्म में भी उन्होंने अभी लास्ट टाइम की थी दोस्ती के साइड इफेक्ट, मतलब उन्हें सपना चौधरी के साथ अभी रिलीज हुई उनकी फिल्म, कोविड के पहले ही रिलीज हुई थी और काफी अच्छी फिल्म गई वो। विक्रांत आनंद जी हमारे मित्र हैं, वो भी आने वाले हैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में। और स्पेशली हमारी बुंदेलखंड की बिटिया माही सोनी, जो बहुत नाम कमाया बुंदेलखंड से और पूरे मध्य प्रदेश से लेके बॉलीवुड तक, और अभी लास्ट टाइम उसको आईटी अवार्ड से भी नवाजा गया था इंदौर में, जो लास्ट टाइम अभी आईटी अवार्ड हुआ था आईटी अवार्ड में। तो माही ने बहुत नाम कमाया है, बहुत प्यारी बच्ची है। हम लोग सब मिलके कैसे किस तरीके से प्लान करते हैं फेस्टिवल में, तो हमको बहुत सारी चीजें आपको पर डे एक ब्लॉग करेंगे, पर डे आपको बताएंगे कि क्या पूरा होता है प्लान, किस तरीके से हम लोग क्या किस तरीके से कितनी मेहनत करते हैं, क्या टीम वर्क होता है, किस तरीके से जुझारू हमारी पूरी टीम है, और बस आप देखते हैं आगे कैसे क्या कर पाते हैं हम लोग। और आपको पर डे एक ब्लॉग से पर डे एकदम खूब सारी मस्ती, खूब सारा उसमें एंजॉय भी छुपा रहेगा कैसे किस तरीके से। तो चलिए पहुंच चुके हम थोड़ी देर में खजुराहो पहुंचने वाले हैं। बल से अंबर तोले धरती, पाँव धरे फट जावे जावे, दुर्जन जिसके पास न आवे, दुष्कर्मी घबरावे घबरावे, हाय निर्बल जय जय खार कहे, जीवन भर पछतावे, गला पकड़ ले जब
के मारे तो मर जाऊं वे, ऐसी बहाने घुमावे घुमावे होए। लाठी सर पे जिसके बाजे फूट सा सर खिल जावे, हाँ सर खिल जावे। पहुंच गए हम लोग, अभी होटल झनकार में है। सर्वेस भाई हमारे साथ में, पीछे हिमालय यादव जी, ये हरिया जी आप जानते होंगे, और यहाँ पे मैनेजर साहब बैठे हुए हैं और पूरी टीम होटल की लगी हुई है अपने कामों में, क्योंकि कल से जो काम होने वाला बड़ा टाइट होने वाला है। और किफ में कितने लोग हैं, क्या मैनेजमेंट देखेंगे, जैसे आपका ट्रांसपोर्टिंग कौन देखेगा, फिल्म का कौन देखेगा, इसके बाद पी आर का कौन देखेगा, ये टोटल पूरा मैनेजमेंट चल रहा है अभी, और सबके नंबर आ गए हैं टोटल सेल में, तो ये धीरे धीरे कैसे क्या करेंगे, मैं आपको अभी वो भी पूरा लिस्ट दिखाऊंगा ए टू जेड पूरी। सर्वेश भाई कैसा अनुभव, पहली बार आपका अभी किफ में अंदर आप एंट्री करके काम करना चाहते हैं, और कैसा आपका अनुभव रहा पिछले आपका फेस्टिवलों में? अभी तक जो ये छठवां आयोजन है खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का, इसके पहले मैं एक छुपागी के तौर पर यहाँ पर आया था, और अब एक परिवार की तरह से जुड़ के अपने क्षेत्र में जो राजा सर के द्वारा ये इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, और पूरी टीम ये पूरी टीम गिफ्ट की जो पूरी टीम है और हमारे बुंदेलखंड का ये सभी लोगों का ये सहयोग मिलता है सर को, और इस फेस्टिवल को एक ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। जैसे एक सर बोलते थे ये पहले बच्चा था फिर चला बड़ा हो रहा है, तो अब इस बार कुछ बहुत सा नया होने जा रहा है। तो देखिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है इस बार, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, कोविड का भी ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें हमारी ऑनलाइन रहेगी। कौन सा बताया था वेबसाइट तुमने सर ने बताया? N9 करके कुछ ऐसा है, वो भी हमें आपको 133 देशों में ये लाइव जाएगा आपका खजुराहो जो फिल्म फेस्टिवल होगा बुंदेलखंड में, ये 133 देशों में लाइव जाएगा। तो अभी जो मैं अभी ये जो ब्लॉग डालूंगा तो इसके नीचे जो हमारी लिंक होगी उस लिंक में आपका रहेगा, आप प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आगे की कैसी गतिविधि होती है हम आपको बताते जाते हैं। अभी हमको सोने नहीं मिलेगा, अभी हमारी पहला दिन है, फिर आगे देखना कितनी कितनी रात बजेगी, अभी तो केवल 9 ही बजे हुए। अभी हम लोगों की आगे पूरी लिस्टिंग रेडी हो रही है, कल कौन कौन आ रहा है, परसों कौन कौन आ रहा है, कौन क्या किस सारी जिम्मेदारियां ले रहा है, ए टू जेड हम लोगों की पूरी अभी लिस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए पूरी लिस्ट ऊपर यहाँ पे लग चुकी है यहाँ किफ की, और ये पूरी लिस्ट सेकंड लिस्ट है हम लोगों के हाथ में, तो हम लोग पूरा इसको भी अभी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसके फोन नंबर वगैरह लिख रहे हैं, जैसे अगर कभी कोई बंदा आता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है तो वो सारे नंबर निकाल के उनसे बात कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। बाय बाय। अब लगभग नाइट के रात के करीब 11:15 बज रहे हैं, हम लोग सब खाना खाने के लिए अभी अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भाई रामदाव साहब। हेलो नमस्कार, जय बुंदेलखंड। विराज बहुत अच्छे इंसान हैं, ही इज सच ए नाइस मैन, और अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया जी रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं है। और आप लोग बराबर विराज को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ लाइव और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की तैयारी है, लेकिन कल से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो रही है जिसपे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हम लोग समाज के लिए और बुंदेलखंड के लिए करते हैं। पीछे आप जाओगे तो हमारे स्टार हैं हिमालय यादव जी खड़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली अगर हमारे साथ बहुत सारे जो बुंदेलखंड के हमारे सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हिमालय यादव को अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये हमारे सर्वेश भाई हैं, और ये एक जो चेहरा आपको दिख रहा है बहुत बड़ा चेहरा है, ये बिल्लू जी हैं, स्पेशली मुंबई से आए हुए हैं,
और ये जितने भी टॉप क्लास के जितने भी स्टार्स आएंगे उनका स्पेशली बिल्लू जी ही इंटरव्यू लेंगे। तो आगे हम जो ब्लॉक में आपको दिखाएंगे बिल्लू जी ही आपको दिखेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि बिल्लू जी जितने भी चाहे जैकी श्रॉफ हो चाहे अनुपम जी आए हो कोई भी हो बिल्लू जी का ही आपको चेहरा सबसे आगे दिखेगा। बिल्लू जी ही काबिल है और बिल्लू जी ही काबिल है ना। हाँ और हम लोग अंदर अभी पहुंच रहे हैं होटल में, हम लोग खड़े हैं बाहर, हम लोग कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि राम दाऊ साहब की कल एक फिल्म शूट होने जा रही है शॉर्ट फिल्म, तो उसके लिए हम लोग आपस में बात कर रहे थे और अंदर बुंदेलखंड की सेवा में सारे काम होते हैं और वहां पे अंदर खाना रेडी है, हम लोग अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं, दवा दब खाएंगे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि समझ रहे बुंदेली भाई हैं, दवा दब खपा खप खाते हैं भज्जा रहो अभी अंदर। अच्छा बंद गोभी रेडी और तरकारी तरकारी रेडी, कल 8 बजे से फिर लग जाए काम, कल 8 बजे से फिर लग जाना सब जाना। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। हिमालय भाई जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। फिर बलराम भैया, बलराम भैया के पास प्रूफ आया, आपने आपने खाना खाया ये है पत्ता गोभी शायद जी खा लिया डन। फाइनली हम लोग खाने पे पहुंच चुके हैं और बिल्लू सर और रुद्रांश जी हमारी पूरी टीम हम लोग बैठ चुके हैं खाने पे और यहाँ पे रोटी पनीर दाल सब हम लोग मिक्स करके सब दवा दवा के खाने वाले हैं। तो आज फर्स्ट दिन है तो आज हम लोग टाइम पे खाना खाने वाले हैं, बट सेकेंड और थर्ड डे में आपको पता चलेगा कि हम किस टाइम पे खाना खाएंगे। और ये देखिए रुद्रांश भाई बैठे हुए हैं, रुद्रांश जी बोल लो। तो अभी ये खाना आ चुका है, हम लोग खाना खाने के बाद और आपसे बात करेंगे फाइनली क्या होने वाला है कल की डेट में, कल की क्या तैयारी होने वाली है। तो रुद्रांश जी ने अपना खाना चालू कर दिया, रुद्रांश जी हाय कर दो। हाय, सपोर्ट स्नूप डॉग, ओके, लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम जब अभी लास्ट टाइम हम ओरछा गए हुए थे तब आपकी रुद्रांश जी से मुलाकात हुई थी हमारे साथ में, तो ये रुद्रांश जी हैं जो क्या नाम था आपने उसका उसका टॉम टॉमी का ब्लश एंड बेंटाइन से आपको मिलाया था ये रुद्रांश भाई उनके पिताजी। तो अब हम लोग दबा के खाना खाने वाले हैं, इसलिए खाना खाने से जरूरी क्योंकि कल से जो हमारे काम होने वाले हैं बहुत दबा के होने वाले हैं, तो आज हम लोग टाइम पे खाना खाएंगे, कल के बाद तो कुछ पता नहीं रहेगा किस टाइम पे हम लोग क्या खाना खाएंगे क्या चीज रहेगी। ठीक है ना भाई, है ना। तो हम खाना खाने के फिर आपसे बात करते हैं। धनिया खड़ा लौंग इलायची जो भी तवे पे भूना उसको ग्राइंड किया वो डाल दिया। मटन आप कितना भी पता ही नहीं लगता, उसमें कुछ भी नहीं किया, ये रेसिपी ये कहीं नहीं मिलती। क्या होगा अभी रगड़ा पेटे लाल मिर्च डालते जाओ, तो मटन अपने आप में प्रोटीन है और उसको उस तरह से कुक कर लो तो निकाल रहा है उसको उस तरह से कुक कर लो। तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और मुझे रूम नंबर 107 मिला हुआ है और मैं इस रूम में रुका हुआ हूँ रात में। और हम लोग अभी फिलहाल में तो ठीक है, खाना वाना खा के रेडी हो गए, बहुत टाइट हो गया थोड़ा सा जितनी भी थकावट थी, आज का हमारा काम खत्म हो गया है। और ये यहाँ पे हम लोग अभी रात में मैं रात में ही रुकने वाला हूँ। काफ़ी ठीक है, बड़े मस्त रूम मिला हुआ है, ये कुछ टॉयलेट्स वगैरह कुछ साफ सुथरी बड़ा मस्त, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं गई इसके तक भी, ओके सब कुछ। अब भाई देखिए, अब खजुराहो का जो अगला जो कल का जो दिन होने वाला है वो बहुत टाइट होने वाला है क्योंकि कल सुबह से हमारे कुछ गेस्ट हैं वो आना चालू हो जाएंगे, स्पेशली जो हमारे फेस्टिवल की हमारी जो टीम है, कुछ हमारी टीम अभी रह गई वो टीम भी हमारी कल से आना चालू हो जाएगी, उसके बाद कुछ हमारे फिर परसों से गेस्ट आने चालू हो जाएंगे, हमारा दिन बहुत टाइट होने वाला बहुत से ज़्यादा। तो आज हमको जितना भी टाइम मिल जाए सोने का तो सोने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद फिर नहीं मिल पाएगा। तो भाई हाय गाइज, हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपको खजुराहो फेस्टिवल का शुरू से लेकर लास्ट तक पहले दिन से
और मतलब 17 से लेके 23 तक का क्या कैसे कैसे हम लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं पूरा मैं आपको A to Z पूरा वो दिखाएंगे। तो भैया रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट।